आयुर्वेद समाधान को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे नए वीडियोज आप देख सकें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे समाज में सुपारी का उपयोग दो तरह से अभी तक किया जाता रहा है, एक तो पूजा पाठ करने में और दूसरा पान और पान मसाले में। लेकिन लोगों में ये धारणा है कि इसके सेवन से उनके स्वास्थ्य को हानि होगी। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सुपारी के औषधीय गुण भी होते हैं। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो आज हम जानेंगे सुपारी के फायदे। तो सबसे पहले हम फायदा जानेंगे ल्यूकोरिया के लाभ में। सुपारी खाने के फायदे ल्यूकोरिया में मिलते हैं। ल्यूकोरिया में लाभ लेने के लिए आप सुपारी पाक का प्रयोग कीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। सुपारी पाक आपको किसी भी आयुर्वेद की दुकान पर मिल जाएगा। बात करेंगे मासिक धर्म विकार में। जो महिलाएं मासिक धर्म संबंधी विकार से पीड़ित हैं, उन्हें सुपारी पाक का सेवन करना चाहिए। इससे मासिक धर्म के विकारों से भी राहत मिलती है। बात करेंगे मूत्र रोग में फायदेमंद है। मूत्र रोग जैसे पेशाब रुक रुक कर आना, पेशाब बार बार आना या पेशाब में चीनी आना, इनमें सुपारी का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। इसके लिए सुपारी तथा खदिर की छाल का काढ़ा बना लें। काढ़े में 10 से 30 मिलीलीटर मात्रा में शहद मिलाकर पिलाने से मूत्र रोग में फायदा मिलेगा। बात करेंगे शुक्राणु बढ़ाने की। शुक्राणु में सुपारी खाने के फायदे मिलते हैं। इसमें 6 ग्राम सुपारी के फूल के चूर्ण में 3 ग्राम चीनी मिलाकर दूध के साथ सेवन करें से शुक्राणु रोग में फायदा मिलेगा। बात करेंगे मुंह सूखने की समस्या से निजात पाने की। डायबिटीज की बीमारी के कारण कई लोगों को बार बार मुंह सूखने की समस्या होती है। इसलिए ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि जब भी उनका मुंह सूखे तो सुपारी का टुकड़ा मुंह में रख लें, क्योंकि इसे चबाने से बड़ी मात्रा में सलाइवा निकलता है। सुपारी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसे जलाकर उसका पाउडर बनाकर रोजाना मंजन करते हैं तो भी आपके दांतों की सड़न से बचाव किया जा सकता है। तो एक तो रहा मुंह सूखने की समस्या से निजात, दूसरा आपके दांतों की जो सड़न है उससे भी आपको निजात मिलेगी। बात करेंगे खून को रोकने के लिए। अगर किसी व्यक्ति के कहीं भी चोट लग गई है तो उस व्यक्ति को सुपारी का काढ़ा बनाकर उस चोट पर लगा देना चाहिए। इससे खून का बहाव बंद हो जाएगा और कुछ ही देर में घाव भरना शुरू हो जाएगा। बात करेंगे तंत्रिका तंत्र की फायदों की। सुपारी को खाने से तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है। इस पर एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि इसे चबाने से तनाव महसूस नहीं होता, जिससे आप डिप्रेशन की बीमारी से बचते हैं। बात करेंगे दिमागी बीमारी को ठीक करने की। दोस्तों, जिन लोगों को सिज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी होती है, उन लोगों को सुपारी के सेवन की सलाह दी जाती है। एक रिसर्च ये बात बताती है कि जो रोगी इस बीमारी में सुपारी का सेवन करते उनके लक्षणों में तेजी से सुधार देखने को मिलता है। बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की। सुपारी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए फायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों, ये थे सुपारी के सरल से फायदे, जो आपको गांव देहात के लोग भी बताते मिल जाएंगे। लेकिन अभी तक आप सोचते थे कि सुपारी भी कोई फायदा पहुंचा सकती है क्या? लेकिन दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है। इसमें बताए गए नुस्खे एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और